सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झरनों से इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता अगर राहु में उनकी पत्थर न होती। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो एहसास ही काफी है। मुस्कुराहट इसीलिए नहीं कि खुशियाँ जिंदगी में ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी में न हारने का वादा है। आज का पंचांग 11 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 7:18 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:28 से 5:02 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 11 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार, प्रतिबंध या जटिलता आपकी यात्रा की योजनाओं में दखल दे सकते हैं। यह नई शुरुआत का समय है। धन का नुकसान या अनपेक्षित व्यय हो सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य आज चिंता का विषय हो सकता है। अपने मामलों को स्वयं सुलझाने की कोशिश करें। घर ऑफिस और परिजनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के साथ अपना भी ध्यान रखें। जीतने वाले वो लोग नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि ये वे लोग होते हैं जो हारने के बाद भी दोबारा कोशिश करते हैं। इस राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापारिक कार्यों में भागीदारी को दर्शाने वाला रहेगा। इतना ही नहीं आज आपको अपने कारोबार को लेकर काफी चिंता भी हो सकती है। आप पिछले काफी समय से अपने कारोबार पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपको सलाह है कि आज अपने कारोबार पर पूरा फोकस करें। हालांकि आज आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारियों का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आज घर परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। आपको सलाह है कि अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। सभी सदस्य अपनी अपनी कामों को लेकर गंभीर देखे जाएंगे। सकारात्मक परिणाम लेकर दिन आएगा। रक्त संबंधित रिश्तों को आप जोड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे और परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आएंगे। सावधानियां, बड़ों के साथ आप आदर संबंध बनाए रखें। मामा पक्ष से आपको धन लाभ भी दिख रहा है, इसीलिए अच्छे संबंध रखें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आप किसी बड़े निवेश के लिए किसी से धन उधार ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने लुक्स में बदलाव करके आप उसे लुभा सकती हैं जिसके सपने आप लंबे समय से ताक रहे हैं। नए हेयर कट या केश सज्जा के बारे में क्या ख्याल है। कार्य या निजी जीवन में हुए रैंक में परिवर्तन से एक नई शुरुआत होगी। ससुराल वालों की परेशानियां आपको प्रभावित करेगी। अपने परिवार और खास लोगों का ध्यान रखें क्योंकि जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। जीवन की इस भाग दौड़ में अपने पार्टनर को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर अपने प्यार का इजहार करते रहें और इसके लिए रात के समय में सितारों को देखकर भविष्य के सपने संजोने से बेहतर क्या होगा। बात करते हैं करियर की। आत्ममूल्य का विश्लेषण करने के लिए जीवन का यह चरण बेहतरीन है। किसी नए कार्य या नौकरी की पहल कर सकते हैं। सितारों को ताजा बनाए रखने के लिए आपको उनके लिए कुछ स्पेशल करना जरूरी है। अपने दिल की सुने और खुशी के मार्ग को स्वयं बनाएं। आज आपके काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं या मीटिंग्स के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। नए बिजनेस से पहले स्थायी बाजार प्रतिस्पर्धियों और कीमतों के बारे में अच्छे से सोच कर लें। पुराने मित्रों या जान पहचान वालों से फिर से संपर्क करें और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने कौशल को पॉलिश करें। बात करते हैं सेहत की।
कंधों में दर्द की समस्या को दर्शाने वाला रहेगा। ज्यादा ठंडा वातावरण से फिलहाल के मौसम से बचें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।